हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को शायद पता होगा यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है आईटीबीपी के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए और एसएसबी के लिए। तो दोस्तों, उसकी वीडियो मैंने कल बनाई थी कि किस क्वालिफिकेशन पर पूरा फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कितनी पोस्ट है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल में हाइट कितनी होगी आपकी, रेस कितनी होगी, जंप कितना होगा, तो ये सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी दाऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? हमने एक ऐप बनाया है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। उसमें हर रोज़ आपको 100 क्वेश्चन के आसपास उसमें मिलते हैं, करंट अफेयर भी होती है, साइंस के भी होते हैं और जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप उस ऐप को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, ठीक है। तो जो फिजिकल होना है इन सभी का, तो 100 मीटर की रेस है मेल के लिए, 16 सेकंड का टाइम है, फीमेल के लिए 18 सेकंड का टाइम है, ठीक है। उसके बाद 800 मीटर की रेस है मेल के लिए, 3 मिनट 45 सेकंड, और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा मेरा। लॉन्ग जंप आपका क्या होगा, मेल के लिए है 3.5 मीटर, 3 चांस आपको दिए जाएंगे, फीमेल के लिए 3 मीटर है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद शॉट पुट, तो इसमें 7.26 किलोग्राम का वजन है और 4.5 मीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल है ये चीज़। उसके बाद हाइट कितनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे जरूर है, मिनिमम 81 है, फुलाव के साथ आपकी 86 होनी चाहिए, फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल है ये चीज। उसके बाद है आई साइट, तो 6x6 या 6x9 होनी चाहिए आपके पास। आपने लेंस इक्वलाइजर करवा रखा है तो उसको हुए 6 महीने हो चुके हो तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चश्मा भी आपका चल जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन है। आपको डॉक्टर बता सकता है उसके बारे में कि किस टाइप का ग्लास आपको लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टैटू, तो टैटू धर्म से यदि संबंधित है, कोई कोई धर्म से संबंधित कोई फिगर है, सिंबल है या कोई नाम है, वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि कहाँ पर हो, ये नहीं कि माथे पे लिखा हो, नहीं चलेगा। आपका लेफ्ट बाजू पे हो तो आपका चल जाएगा, लेफ्ट बाजू पर भी जहां से किसी दूसरे इंसान को दिखाई ना दे वहां पर हो सकता है, वहां पर छूट है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, यदि ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ऐप को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।